दूसरा दिन है जब थोड़ा सा कह ले कि रश कम हो गया होता है और पहले दिन वो जो सारा हजम और वो लोग आ जा रहे होते हैं। सेकेंड डे पे आप बाहर जाते हैं, आप एफर्ट करते हैं कि अच्छा आज मैंने वहां जाना है, तो घर में कौन है जिनके पास आप जाते हैं कि अच्छा भाई आज मैं अपने भाई के पास जाते हैं, पुप्पी के पास जाते हैं, कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके सर आपको सच्ची बात बताएं कि मैं नींद पूरी करते हैं क्योंकि दो दो शो होते हैं हमारे थिएटर के ज्यादा तो माशाल्लाह। अच्छा। फिर नींद पूरी करते हैं। ईद वाले दिन भी दो दो शो? हाँ जी ईद वाले दिन ही दो दो शो। ईद से तो कंटिन्यू शुरू हो जाते हैं ना थिएटर के दो दो शो, दो दो शो ऐसे जाना भी चाहिए। मैं जाता भी हूँ, मेरे तो माशाल्लाह 7-8 ताए चाचे ने, अल्लाह जिंदगी दवे, तो वो 10-10 मिनट भी जाएं तो आपको पता है 3-4 घंटे बनने। 10-10 मिनट भी जावे 6-7 हज़ार देता बन ही जाता। अच्छा उसे देना पैंदा कि लेना पैंदा? नहीं जी लेना पैंदा, छोटा है, लेना पैंदा। मैं दुपट्टा बन के जाना जी। देखे मैं अपनी फैमिली में बड़ा हूँ, बहुत ही बड़ा जी, यादगार तो भी बड़े ने अपनी फैमिली में। जब घर आते ने तो मैं फिर उन्होंने कहना घर च वड्डा कोई नहीं है भाई चल आ। मैं ही तो इन्हों मिलन गया सलीम साहब नूं, रोटी नहीं खा रहे सारे घर, मैं तुहानूं क्या मेरे दंद नहीं लभ रहे। ऐसी एक एक्टिविटी होती है जिसको आप नहीं प्रमोट करना चाहती? जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो ये कि ईद वाले दिन सोना नहीं चाहिए, उस पे बैन होना चाहिए, क्योंकि ये एक रहमतों का दिन होता है, आपने पूरे रोजे रखे होते हैं और अल्लाह ताला ने इसका हुक्म किया है कि आप इस दिन को सेलिब्रेट करें। बिल्कुल। तो उस दिन हमें आपस में खुशियां बांटनी चाहिए और मिल बैठ कर सारी फैमिली को गेट टुगेदर करना चाहिए। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। हाँ। आपके जहन में कौन सी मिठाई आती है? ओके। इनको देख के कौन सी मिठाई आती है, और अगर मिठाई नहीं आ रही तो आप खट्टे का नाम भी ले सकते। पापड़ी चाट कहना चाहूंगी, इसको मैं समोसा कहना चाहूंगी। हाँ ठीक है चले जी। सबसे पहले कौन सी मिठाई आती है माइंड में? रसगुल्ला। नहीं है वो मैसूर। नहीं 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 जी कृष्ण जी ने बोलन दो यार जी। सोन हलवा। सोन हलवा मीठी पर्सनालिटी है। आइटम कौन सी मिठाई? इतना सोचने पे मिठाई जी, इतना सोच रहे कुछ मालूम मिठाई बंद कर ली है। टाइम चाहिए से परसों आ जाने। हाँ जी नहीं जी मिठाई का नाम लेना होगा। हाँ डब्बे मिठाई का नाम लेना होगा। मिठाई में से डब्बे में रसगुल्ला आपने कह दिया। वाह वाह रसगुल्ला मियां साहब रसगुल्ला। ए ए ओ रसगुल्ला जेड़ा सिर्फ कतरी शहजादा खांदा है। हाजी बड़ा प्यारा रसगुल्ला, लेकिन इमरान खान ने भी फिक्का लग रहा है। ओए ओए ए रसगुल्ले तो धरने देते जांदे। अच्छा चले चले जी आगे चल रहे हैं जी, आगे चल रहे हैं। उन्होंने सोचना है अभी इसके बारे में जी। कौन सी मिठाई आ रही है? मिठाई बनाने वाले फड़ता नहीं मिठाई नहीं की भाजी है वो बर्फी वो नहीं होती ऑरेंज वाली यूं यूं करके जलेबी जिसकी साइड यूं हुई होती है। इन्होंने इन्होंने देख के तो गाना बनाया नाम जलेबी भाई। ऐसे गलत नाम देता कश्माला जी, जेहो जी पर्सनैलिटी ने वो बर्फी है जिड़ी मेले च लड़ाई हो तो चल भी जाती है। तस्वीर मिठाई वाली दुकान से लगी होती हैं। हमारी अगली जो कह ले मिठाई है ये चमचम। अच्छा इस पे बोल रही है चमचम व्हाइट एंड पिंक।
चम 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 मेरा टूट गया बटन, अम्मी मारेगी अब्बू डांटेंगे, कोई जोड़ दे बटन, चम चम चम। अच्छी मिठाई वैसे मुल्क जानती नहीं। अब मुझे नहीं पता इसको आप मिठाई कहेंगी कि नहीं, मगर सॉलिड बर्फी। बर्फी कह रहे जी, फिल्म नहीं सी आई जिसे हीरो गूंगा होता किधर भी गूंगे नहीं है पॉलिटिक्स फॉलो करते हो? हैशटैग कुछ करके? आई डू वॉच न्यूज, आई डू कीप मायसेल्फ अपडेटेड विद द लेटेस्ट थिंग्स क्या हो रही हैं। ईद वाले दिन घर पे मोस्टली एंटरटेनमेंट के लिए क्या होता है? उल्टबाजी लाने ने यार घर में तो तू है ना सर्कस से जाए उल्टबाजी लाने, दोनों बहनें लूडो खेलती हैं बर्गर लगा के। यो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बर्गर लगा के व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लूडो दिस सांप वाली गेम नेड़े में ते डंग बजे फिर 13 ओए मैं तेनु की एंटरटेनमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि अपने फैमिली फ्रेंड्स के पास जाते हैं और फिर गाड़ियों में निकलते हैं, फुल लाउड स्पीकर होता है, दैट्स इट, खा पी के आ जाते हैं बस। प्रीसा दे माशाल्लाह 14 अगस्त से 1 मिलिंग भी कर लेती है। हां इनदे वाले साहब बैठे हैं ना, तो उन्होंने पता लगे हैं। हां जी मेरे तो गड्डी मंगे जाने के नाल लाउड म्यूजिक लगा। दैट इज ट्रू एक्चुअली। नहीं बाबा तो इजाजत देते हैं। शमाला जी कौन सी पार्टी ज्वाइन करने लगी? आपकी पार्टी। अरे अच्छा जी, इन्हें दी ते फिर ढोल पार्टी जे, इन्हें ते फिर कश्मीरी पार्टी भाई। ओ माय गॉड जी जी, हमारा पहला बिल ही पास हो। कहीं से कोई नुक्ता निकाल लाने सियासी। देखिए जी, एक एक चीज हम लोग को रियलाइज करनी चाहिए, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और जितनी भी पार्टीज वगैरह बनी हुई है, एट द एंड ऑफ द डे सब पहले पाकिस्तान है, उसके बाद ही सबका वजूद ही पाकिस्तान है। इख्तलाफ होने चाहिए, अच्छी बात है। नहीं कि जिन्हें कुल दो दो नेशनलिटी है उन्होंने वजूद पाकिस्तान नहीं है। बड़ी पते की गल की है, जो भी है काम पाकिस्तान ही होता, मरदे इंग्लैंड ने दफन इतने ही होंगे ने बाजी साहब। वाह वाह, हाँ गल सही, क्योंकि पैक करके टोर देंगे, कहते लै जाओ जितों आया। काफिया के जनाजे पड़े ने। जाने से पहले इस ईद के मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले ही आपने पूरा दिन यहाँ गुजरवा दिया, मेरा बेटा घर पे मुझे जाके कोसेगा कि अम्मा ईद के दिन भी आप जाके टीवी पे बैठी हुई। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाउ ओल्ड इज योर सन नाउ? माय सन इज 15 माशाल्लाह। 15, और वो कोई एंटरटेनमेंट की दुनिया में उसके शौक है? ही इज अ नेशनल स्विमर माशाल्लाह। और ये उसको शौक कब से हुआ था? हिज नेम इज अजलान खान और वो 5 साल से स्विमिंग कर रहा है। 5 साल से? 5 साल की उम्र से। पानी से छाल मारी, पानी पाड़ता है। हमारे वालिद साहब जी, हम लोग को ना फ्राइडेज की फ्राइडे हम लोग सब ना नहर पे जाते थे तरबूज लेके। तरबूज टाइम पे इतने रोड्स और वो बनिया नहीं होती थी, तो गुलबर्ग की बिल्कुल साथ पे खुली नहर होती थी, तो तरबूज पकड़ के ना उन्होंने पानी में डालने, ठंडे यख तरबूज कली नहर सी होती थी, वादादारी बाट साहब हम लोगों को तेल लगा के ना चलो जी नहर में। बल्कि बाट साहब ने जो तरबूज चुके, वीकेंड फन, हां वीकेंड फन, मतलब बाट साहब तो ट्यूब का फ्राइडेज होता था, क्योंकि वो उस टाइम पे फ्राइडेज हम लोग इतने पुराने हैं कि जुमे के दिन छुट्टी होती थी। रियली उस टाइम